YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जो कि आपको इस गिरावट में खरीदनी चाहिए। ये गिरावट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ ले सकते हैं और हर गिरावट में बाय ऑन डीप कर सकते हैं। तो वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम ब्लू चिप शेयर छोड़ करके जो मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे जो पहला शेयर है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। काफी बेहतरीन ये शेयर है और इस शेयर में आप जो है इस गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये सपोर्ट रीजन के आसपास है, अगर यहाँ पर आप बाय करते हैं तो काफी वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, काफी अच्छे वैल्यू पर ये शेयर अभी उपलब्ध है। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 6200 के ऊपर ये स्टॉक्स जा चुका था, वहां से इसमें काफी गिरावट हुआ और यहाँ देखिए 4000 के आसपास ये स्टॉक्स अभी मिल रहा है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट काफी सॉलिड रहा है। देखिए स्टॉक्स का जो चार्ट है वो लगातार ग्रोइंग मोड में है, तो ऐसे ही स्टॉक्स जो कि लगातार अप ट्रेंड में हो, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट देख करके हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल्स जो इस कंपनी का काफी बेहतरीन है, काफी सारे वीडियो में मैंने चर्चा किया है स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यहाँ पर सपोर्ट रीजन के आसपास है, तो यहाँ पर देखना है जैसे रिवर्सल का साइन मिलता है तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करके चलेंगे। और जो पहला टारगेट होगा हमारा वो यहाँ पर वो 5300 रुपये का होगा और जो इसमें सेकेंड टारगेट लेके चलेंगे 5800 रुपये का। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, जैसा कि अभी यहाँ आप देख सकते हैं कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो स्टॉक्स नीचे आ रहा है लेकिन इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, तो जब वॉल्यूम ड्राई हो चुका हो, प्राइस नीचे आ रहा हो, यहाँ पर हमें एक रिवर्सल का संकेत मिलता है। यहाँ पर जैसे वॉल्यूम आएगा तो रिवर्सल का साइन वो कन्फर्म हो जाएगा, तो वहां पर आपको इसको बाय करना है। अभी थोड़ा सा वेट इन वॉच करना है अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। देखिए निफ्टी जो है आज काफी ज्यादा डाउन है, तो इस तरह से लगातार मार्केट में गिरावट जारी रखता है, तो ये सारे स्टॉक्स भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल सकता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है मार्केट को। फिर जो अगले शेयर बात करते हैं, जो शेयर आपको गिरावट में बाय करना चाहिए वो है कोफोर्ज। काफी बेहतरीन आईटी कंपनी है, आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। गिरावट में देखिए मार्केट काफी ज्यादा डाउन है फिर भी ये स्टॉक्स अप है, तो कहीं कहीं यहाँ पर ये अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर जा सकता है। स्टॉक्स जो है एक डाउन ट्रेंड मार्केट में, जहाँ मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन है वहां पर स्टॉक्स अप है। ऐसे भी चार्ट देखेंगे तो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में चार्ट तो काफी सॉलिड रहा है। देखिए 2020 के गिरावट से स्टॉक्स लगातार अप ट्रेंड में रहा है और चार्ट में कहीं पे भी वीकनेस नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ये साइडवेज दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर ये तेजी दिखाता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर ये 5000 के ऊपर दिखाता है तो बाय करेंगे और पहला टारगेट 6100 का लेकर चलेंगे। अगर आप लंबे समय जैसे 5 ईयर्स के लिए बाय करते हैं तो आप किसी भी गिरावट में इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में SIP मोड में ऐड करके चल सकते हैं, तो ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। चार्ट देखिए काफी सॉलिड है, इसी तरह के जो बेहतरीन टेक्निकल चार्ट वाले स्टॉक्स है उसको आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है गिरावट में। और साथ ही साथ बात करें इसके फंडामेंटल्स भी काफी जबरदस्त है, सारे स्टॉक्स जो आपको हम बताएंगे अपने वीडियो में वो सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही बताते हैं। जो स्टॉक्स वीक होता है फंडामेंटली और वहां पर हम चर्चा भी करते हैं कि ये स्टॉक फंडामेंटली वीक है, कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ कहां पर वीकनेस है, प्रमोटर्स होल्डिंग में वीकनेस है, तो सारी बातों की चर्चा करते हैं। तो अगला जो स्टॉक्स है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। देखिए 300 के ऊपर का हाई लगाया है, अभी मात्र 200 पे स्टॉक्स मिल रहा है, ये स्टॉक्स भी आपको काफी सस्ते प्राइस में मिल रहा है, जबकि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पोटेंशियल है, स्टॉक में काफी अच्छा ग्रोथ आपको देखने मिल सकता है। और चार्ट देखिए तो ये स्टॉक्स का भी चार्ट काफी सॉलिड रहा है, 2020 के गिरावट से लगातार अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक्स, तो अभी इतने ज्यादा गिरावट पे मतलब इतने ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, तो इस गिरावट में जब मार्केट में गिरावट हो रहा है तो सारे स्टॉक्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको उपलब्ध हो रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना है। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो है रेडको खैतान। देखिए रेडको खैतान काफी बेहतरीन कंपनी, एक लीकर बनाने वाली कंपनी है। देखिए इसका जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा गिर चुका है और स्टॉक्स लगातार गिरावट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, मतलब ये जो गिरावट है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में जो गिरावट है उसके कारण इसमें स्टॉक्स में भी पैनिक सिचुएशन देखने मिला है, जो रशिया यूक्रेन का वार है। तो यहाँ पर इस डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसको बाय करके चलते, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है नीचे से रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर आ रहा है, तो जब स्टॉक्स में
बायर आएगा तो निश्चित रूप से स्टॉक जो है कुछ दिनों में रिवर्सल यहाँ से दिखा सकता है। तो जैसे ही स्टॉक्स रिवर्सल दिखाता है उसी रिवर्सल पे आपको बाय करके चलना है। फिलहाल देखिए स्टॉक्स काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट दिखाया है, काफी तेजी से स्टॉक्स का प्राइस जो गिर रहा है। ऐसे भी रैली भी काफी जबरदस्त है स्टॉक्स में, काफी बेहतरीन रैली दिखाया जिन्होंने भी गिरावट में बाय किया था। जिन्होंने भी मेरे वीडियो को शुरू से देखा होगा तो यहाँ पे इस स्टॉक्स को मैंने यहीं से रिकमेंड किया था, तो यहाँ से अगर बाय किया होगा तो काफी अच्छा उन्हें अभी भी रिटर्न मिला होगा, जबकि अपने ऑल टाइम हाई पे ये लगभग 1300 तक जा चुका था ये स्टॉक्स। अगला जो स्टॉक्स आपको इस गिरावट में बाय करना चाहिए वो है जुबिलेंट फूड। देखिए आने वाले समय में ज्यादातर लोग हम पिज्जा बर्गर ही खाएंगे, तो ऐसे में इस स्टॉक्स को मतलब इस कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले जनरेशन से। तो जब आने वाले जनरेशन के लिए फूड तैयार करते हैं निश्चित रूप से कंपनी भी काफी अच्छा ग्रोथ करेगी आने वाले समय में। वैसे भी आप जुबिलेंट फूड को बाय करके चल सकते हैं इस गिरावट में, काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, फंडामेंटली काफी सॉलिड है ये स्टॉक्स। देखिए यहाँ पर 2020 की गिरावट से वन साइडेड ऊपर ही गया था और यहाँ पर अक्टूबर से स्टॉक में कंसोलिडेशन चालू हुआ और यहाँ पर फरवरी में स्टॉक्स में काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट उसी में काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने मिल रहा है। अभी ये स्टॉक्स काफी सस्ते प्राइस पे उपलब्ध है, देखिए मात्र 2550 रुपये पे ये स्टॉक्स मिल रहा है जुबिलेंट फूड, जबकि इसका ऑल टाइम हाई जो है 4500 से ऊपर है। तो 2000 से ज्यादा का प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है ऐसे बेहतरीन फंडामेंटली सॉलिड शेयर में, तो निश्चित रूप से आप इस शेयर को बाय करके चल सकते हैं। और इसमें जो टारगेट होना चाहिए आपका लॉन्ग टर्म का 4000 होना चाहिए, फिर 4500, फिर 5000, तो काफी अच्छा यहाँ से पोटेंशियल है इस स्टॉक्स में। आप इसको जैसे यहाँ रिवर्सल का साइन दिखाता है, अभी तो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है तो गिरने देना है, गिरने के बाद जैसे रिवर्सल साइन दिखेगा वैसे ही हम इसको बाय करना स्टार्ट करेंगे। अब एक और स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली काफी सॉलिड है और इस काफी ज्यादा पिटा हुआ है, मतलब काफी ज्यादा प्राइस में गिरावट देखने मिला है और ये स्टॉक्स के फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स हमारे बाइंग रिकमेंडेशन में है। जैसे रिवर्सल का साइन दिखाता है टेक्निकल चार्ट पे हम इस स्टॉक्स को बाय करके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। काफी बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली ये कंपनियां है। देखिए ये कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब, यहाँ पर देखिए कोई भी नाम देखना हो स्टॉक्स का यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो आपके यहाँ पर कॉर्नर है ऊपर की ओर। तो ये स्टॉक्स भी काफी मतलब हाई जो बनाया है 4250 रुपीज के ऊपर का और अभी मिल रहा है मात्र 2300 रुपया के नीचे, तो इतना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है मात्र सीधे सीधे 50% के डिस्काउंट पे। तो ऐसे में ये स्टॉक निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, ये स्टॉक्स फंडामेंटली काफी सॉलिड है। कंपनी का जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है ऑल इंडिया प्रेजेंस रखती है, साथ साथ जो अलग अलग कंट्रीज है उसमें भी बिजनेस है कंपनी का, और कंपनी जो अपने बिजनेस को काफी तेजी से स्केल कर रही है, तो आने वाले समय में काफी अच्छी कंपनियों का प्रॉफिट वहां से आने वाला है। और आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर हमारा ऐसे भी काफी परफॉर्म करेगा, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन हमारा काफी ज्यादा जो हेल्थ इलनेस है उसको फेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मात्र 1200 रुपीज पे स्टॉक मिल रहा था मार्च 2020 की गिरावट में और अभी स्टॉक्स हाइप लगाया 4000 से वैभव का और फिर से गिरावट पे ये स्टॉक्स मात्र मुझे 2300 रुपये पे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसमें आपको मैं अभी इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा इस गिरावट में। ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है और इस तरह के जो सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है जो कि मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं उसमें आप कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ ब्लू चिप कंपनियों में हमेशा गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना है, उन ब्लू चिप कंपनियों में कई सारे स्टॉक्स मैंने बताया जैसे हिंदुस्तान लिवर, ब्रिटेनिया, ये सारे काफी डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, HDFC, HDFC बैंक, रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है, तो इन सारे स्टॉक्स में अभी समय है आपको इन्वेस्ट करने का, तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।